हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो लाया हूं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि इसरो एक मतलब अप टू द मार्क काम कर रहा है और हर एक जो कंट्री का जो कंट्री का जो सैटेलाइट डिपार्टमेंट है मतलब स्पेस रिसर्च सेंटर है उसको वो पीछे छोड़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा उसका नाम है IRNSS-1H। फ्रेंड्स, IRNSS-1H जो है वो एक नेविगेशन सैटेलाइट है फ्रेंड्स। और ये जो सैटेलाइट है वो शाम 7 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, मतलब सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से ये लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसरो ने 6 प्राइवेट कंपनी के साथ बॉन्डिंग करते हुए ये काम किया है फ्रेंड्स। और ये जो IRNSS-1H है इसका वेट है 1425 kg, ठीक है। और फ्रेंड्स, 1 जुलाई को 2013 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया थे, उसका नाम है IRNSS-1A। उसका जो सैटेलाइट है वो इसरो ने रिप्लेस करेगा फ्रेंड्स। जो रिप्लेस करेगा वो है IRNSS-1H, क्योंकि फ्रेंड्स वो तो 1 जुलाई 2013 में लॉन्च किया था, तो लॉन्च तो सक्सेसफुल हुआ था, मगर कुछ दिन के बाद वो जो एटॉमिक घड़ी है वो उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से वो मतलब ये जो रिप्लेस था ये करना इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए इसरो ने डिसाइड किया है कि वो आज वो IRNSS-1H को लॉन्च करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस जो सैटेलाइट है IRNSS-1H, इसके मदद से हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक ही है। और फ्रेंड्स, इससे हम लोग जो ख़राब मौसम है उसके बारे में जान सकता हूँ, और जो ऊंची लहरें है मतलब कब आएगा उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार न्यूज़ और मैकेनिकल के बारे में हर एक न्यूज़ लाऊँगा। थैंक यू।